क्लास 9 की बुक बी हाइव का फर्स्ट चैप्टर करेंगे द फन दे हैड। इसमें राइटर ने एक इमेजिनेशन की है कि 2157 ये ईयर चल रहा होगा, तब हमारी स्टडीज किस टाइप की होंगी। आज जैसे चेंज होते जा रहे हैं, हम पढ़ाई के लिए ऑनलाइन जैसे कंप्यूटर पे देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं, बच्चे आगे उसी तरह पढ़ा करेंगे, नॉट फ्रॉम द बुक्स वी हैव एट दिस टाइम। इस टाइम हमारे पास जैसे बुक्स होती हैं उनका वो बुक्स नहीं हुआ करेंगी, बल्कि वो उसमें से पढ़ा करेंगे। तो उनको पास्ट सोचना कि पहले कैसे स्कूल होते थे, कैसी बुक्स होती थी, तो वो कितना अलग सा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को इस स्टोरी में दिखाया है राइटर ने। तो जो कल्पना करी है कि इतने ईयर्स बाद हमारे स्कूल्स कैसे होंगे, तो हर बच्चे का एक अपने घर के अंदर ही एक रूम हुआ करेगा, उसके अंदर एक मशीन जो एक टीचर है, कंप्यूटर है, वो हर बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ाया करेगी। ये इमेजिनेशन है। तो एक लड़की है मार्जी और उसका उसके साथ एक ये 11 इयर्स ओल्ड है, टॉम है 13 इयर्स ओल्ड। टॉम को एक बुक मिली, इसीलिए मार्जी ने इस डेट पे फ्यूचर की 137 इयर्स बाद की डेट की डायरी में लिखा है टुडे टॉम फाउंड अ रियल बुक। बड़ी एक्साइटिंग सी चीज़ है उसके लिए, क्योंकि बुक्स जो हैं वो कॉमन चीज़ नहीं है उस टाइम तक। तब तक लोग भूल चुके हैं कि किस तरह से पढ़ा करते थे। अब इनका स्कूल क्या है, एक रूम है हाउस के अंदर, टीचर क्या है, एक मैकेनिकल टीचर है। अब जब बुक मिलती है तो वो सोचती है कि उसके दादाजी ने उसे बताया था कि उसके भी दादाजी बुक से पढ़ा करते थे। तो बुक्स एक ऐसी चीज़ होती थी जिसमें लिखा हुआ जो चीज़ है वो वहीं रहती है, तो इन्हें इमेजिन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो लैपटॉप वगैरह में देखते हैं तो वो, या मशीन में कंप्यूटर में देखते हैं तो वो स्क्रॉल कर सकते हैं, एक के बाद एक थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आ सकती हैं एक ही मशीन के अंदर। तो वो सोचती है पुराने स्कूल्स कैसे होते होंगे, तो यही उसकी कल्पना है उसके अंदर। वो सोचती है कैसे स्कूल हुआ करेंगे। आज तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है स्कूल, एक रूम में जाके बैठना, टीचर को मैकेनिकल टीचर के होमवर्क दे देना, एक स्लॉट के अंदर सबमिट कर देना, उसे इतना पसंद नहीं आता है। तो वो सोचती है कि ये बुक जो मिली है टॉम को वो स्कूल्स के बारे में है, तो ऐसा क्या एक्साइटिंग है स्कूल्स के बारे में। फिर टॉम उसे बताता है, बड़ा सुपीरियर फील करता है कि मुझे पता है, और वो उसके स्कूल के बारे में बताता है कि किस तरह से बच्चे एक ही बिल्डिंग में जाते थे, एक क्लास में बैठ के पढ़ते थे और ह्यूमंस पढ़ाया करते थे। तो वही कल्पना करिए इस स्टोरी में, वो सोचती है कि कैसे ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते होंगे, कैसे सेम बिल्डिंग में सारे बच्चे जाते होंगे और क्या मजे आते होंगे उनको। तो इसको स्टोरी को हम पढ़ते हैं बुक में से। द फन दे हैड। स्टोरी शुरू होती है मार्जी के डायरी लिखने के साथ। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। उस रात मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157, that means 2157th year का 17th May, यानी आज से 137 years बाद की बात हो रही है। She wrote, today Tommy found a real book. Exclaimed के आज टॉमी को रियल बुक मिली। इमेजिनेशन है ये आगे का, जब बच्चों के पास मशीन्स हुआ करेंगी, कंप्यूटर्स हुआ करेंगे पढ़ने के लिए, और बुक से पढ़ना उन्हें पता ही नहीं है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। ये बहुत ओल्ड बुक है। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे से थे तो उनके ग्रैंडफादर बताया करते थे कि एक टाइम था जब सारी स्टोरीज प्रिंटेड होती थी पेपर पर। They turned the pages which were yellow and crinkly. Pages पलटते थे जो येलो होते थे, थोड़े क्रिंकली होते थे क्रिस्प से, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और वो कितना फनी होता होगा कि उनको पढ़ना वर्ड्स को जो किसी बुक में स्टिल रहते होंगे, एक जैसे रहते होंगे, बजाय के मूविंग करना जैसे स्क्रीन पे स्क्रॉल करते हैं उस तरह से नहीं होते, you know? And then when they turned back to the page before, और जब वो वापस उसी पेज पे आया करते थे तो it had the same words on it. तब उस बुक पे वही वर्ड्स हुआ करते थे that it had
had when they had they read it the first time. Same pages पे वही words हुआ करते थे जब उन्होंने first time पढ़े होते थे तब भी. जबकि इन बच्चों की तो ये आदत थी ना कि screen पे words बदलते रहते हैं, text बदलता रहता है. तो मार्जी कहते गी सेट टॉमी. टॉमी ने कहा गी व्हाट अ वेस्ट, कि कितना वेस्ट काम है ये. बेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम बुक पढ़ चुके यू जस्ट थ्रो इट अवे. तो क्या करना पड़ेगा, उस बुक को फेंकना पड़ेगा. आई गेस आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. हमारा टीवी स्क्रीन जो है उसके ऊपर तो मिलियन ऑफ बुक्स आ सकती हैं. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसके अंदर और भी स्पेस है, बहुत सारी बुक्स के लिए और भी स्पेस है. आई वुडंट थ्रो इट अवे, मुझे तो बुक्स की तरह इसे फेंकना नहीं पड़ेगा. सेम विद माइन सेड मार्जी. मार्जी ने भी कहा मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसी बात है. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एट टॉमी हैड. वो 11 ईयर्स की थी और उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी. ही वॉज 13, वो 13 ईयर्स का था. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, ये बुक तुम्हें कहाँ मिली, टॉमी से पूछा. इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. उसने बस पॉइंट करके कह दिया कि हाँ मेरे घर में मिला, और वो इतना बिजी था रीड करने में कि उसने देखा भी नहीं. इन द एटिक, एटिक में मिला. एटिक इज अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, जो स्टोर रूम की तरह यूज होती है. व्हाट्स इट अबाउट, ये बुक किसके बारे में. द आंसर वॉज स्कूल. टॉमी ने बताया स्कूल के बारे में. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मतलब थोड़ा उसे गुस्सा आया, देखा उसने स्कूल. What's there to write about school? I hate school. के स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है, मुझे तो स्कूल से हेट है. अब हमें ये ध्यान देना कि मार्जी का स्कूल है किस टाइप का. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्जी को स्कूल अच्छा नहीं लगता था, बट नाउ शी हेटेड इट इवन इट मोर देन एवर. अब तो वो उससे बहुत ज्यादा हेट करने लगी थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. मैकेनिकल टीचर यानी जो उसका कंप्यूटर था वो उसको बार बार टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली. इतना खराब कर रही थी बार बार, उसका परफॉर्मेंस इतना खराब चल रहा था कि जब तक उसकी मदर ने अपना सिर हिला के कहा सॉरोफुली, बड़े दुखी होके, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. वो जो काउंटी इंस्पेक्टर जो मशीन को चेक करता है उसको बुलाया. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन. और वो जो आया चेक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर, वो मोटा सा छोटी हाइट का मैन था विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स. रेड फेस का और पूरा बॉक्स लेके आया था वो टूल्स का विद डायल्स एंड वायर्स, जो उसे कंप्यूटर का वो मशीन को ठीक करने की जरूरत पड़ सकती है वो सब सामान लेके आया. ही स्माइल्ड एट मार्जी, मुस्कुराया मार्जी की तरफ. एंड गेव हर एन एप्पल, उसे एक एप्पल खाने को दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को उठा के ले गया उसको चेक करने के लिए. टीचर यानी वो कंप्यूटर जो मशीन थी जो मार्जी को पढ़ाया करती थी. मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने होप किया था ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि मशीन खोल तो ली, काश इसे पता ना चले कि कैसे इसको दोबारा जोड़ना है ताकि उसे पढ़ना ना पड़े. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसको पता था. आफ्टर एन आवर और सो, एक घंटे या इसके अराउंड टाइम में, देयर इट वॉज अगेन, फिर से मशीन ठीक होके आ गई. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ी ब्लैक और अगली, अच्छी नहीं लगती थी उसे देखने में. विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, बड़ा सा स्क्रीन था जिसके ऊपर सारे लेसन दिखाए जाते थे. एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, उसी स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछे जाते थे. दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था. द पार्ट मार्जी हेटेड, पार्ट जिससे मार्जी को हेट थी मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट हर होमवर्क. उस स्लॉट को वो पसंद नहीं करती थी जहां उसको एक होमवर्क सबमिट करना होता था. यानी उसके मशीन में एक जगह थी, एक स्लॉट बना हुआ था जहां पे डेली उसे होमवर्क करके सबमिट करना होता था और अपने टेस्ट पेपर्स एंड टेस्ट पेपर. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसको हमेशा मशीन की लैंग्वेज में, पंच कोड मतलब मशीन की लैंग्वेज में वो होमवर्क लिखना होता था. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड, जब वो 6 इयर्स ओल्ड थी तो उसे ये कोड लैंग्वेज सिखाई गई थी, सारे बच्चों को सिखाई जाती होगी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर जैसे ही वो स्लॉट के अंदर अपने टेस्ट पेपर डालती थी तो वो कैलकुलेट कर लेता था मार्क्स को, कोई टाइम ही नहीं लगता था उसको, फटाफट से
कैलकुलेट कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। इंस्पेक्टर ने जब अपना काम कर लिया मशीन को ठीक करने का, मुस्कुराया और पैटेड मार्जीज हेड, मार्जी के हेड पे थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, मदर से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी लड़की का कोई इसमें गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, ज्योग्राफी का सेक्टर जो था वो यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर रखा था, क्विक कर रखा था, तो बच्चा जिस स्पीड से समझ सकता है उससे ज्यादा स्पीड से वो मशीन चल रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इस मशीन को 10 ईयर लेवल के हिसाब से स्लो कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और फिर उसने कहा ओवरऑल पैटर्न जो इसकी प्रोग्रेस का है मार्जी का वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, दोबारा से उसके हेड पे उसने प्यार से थपथपा दिया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर, क्योंकि उसने होप करी थी कि इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये मशीन जो है, ये टीचर जो है उसको ये उठा के ले जाए तो ज्यादा अच्छा है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, पहले टॉमी का टीचर के साथ ऐसी प्रॉब्लम आई थी, यानी टॉमी की मशीन के साथ ऐसी प्रॉब्लम आई थी, और लगभग एक मंथ के लिए उसे ठीक करने के लिए ले जाया गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उस मशीन में से हिस्ट्री सेक्टर जो था वो गायब हो गया था पूरी तरह से। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन ऊपर जो दिया वो इसीलिए दिया कि क्यों मार्जी को स्कूल पसंद नहीं था, और वो क्यों हैरान है कि एक बुक पूरी स्कूल पे क्यों लिखी जा सकती है, स्कूल तो एक इतनी कोई इंटरेस्टिंग चीज तो है नहीं जो उसके ऊपर बुक लिखी जा सकती है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी सुपीरियर आइज, जैसे होते ना कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, उस तरीके से उसने देखा। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उससे कहता कि ये हमारे तरह का स्कूल थोड़ी है स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप का स्कूल है दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो इनके सौयों साल पहले हुआ करते थे जो पुराने स्कूल, उसके बारे में ये बुक है। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और लॉफ्टीली मतलब बड़ा सुपीरियर दिखाते हुए कि मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, बोला के बड़े केयरफुली बोला, सेंचुरीज अगो की बात हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो की बात हो रही है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को थोड़ा हर्ट फील हुआ कि मुझे ये इतना पता नहीं है जितना टॉमी को पता है। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके कैसे स्कूल हुआ करते थे इतने समय पहले। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए उसने उसके शोल्डर के ऊपर से झांक के बुक को पढ़ने की कोशिश करी। शी देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, कि उनका टीचर भी था, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, उसने कहा हाँ श्योर उनका टीचर हुआ करता था, टॉमी ने आंसर किया, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था जो हम लोगों का होता है, इन लोगों का टीचर कौन होता था, वो मशीन, कहते हैं वो हमारे रेगुलर टीचर की तरह नहीं था, इट वॉज अ मैन, वो तो मैन हुआ करते थे टीचर्स, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी टीचर, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, टॉमी ने कहा वो बॉयज और गर्ल्स को चीजें बताया करता था और उनको होमवर्क दिया करता था और उनसे क्वेश्चंस पूछा करता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मार्जी ने कहा मैन इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, टॉमी ने कहा कि होता है मैन टीचर भी स्मार्ट, मेरे फादर को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटर, तो वो कहता है कि मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना मेरी मशीन को पता है, आई बेटर मीन्स मैं तुमसे बेट लगाता हूँ। मार्जी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्जी प्रिपेयर नहीं थी उसको डिस्प्यूट करने के लिए, मतलब उसके पास कोई आर्ग्यू करने के पॉइंट्स नहीं थे। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मुझे तो एक स्ट्रेंज व्यक्ति मेरे घर में आके पढ़ाए मुझे तो पसंद नहीं है। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर,
इस बात पर टॉमी बड़ी जोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें ज्यादा नहीं पता मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर जो थे हाउस में नहीं रहा करते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वहां जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मार्जी ने पूछा, सारे बच्चे सेम चीजें सीखा करते थे? श्योर इफ दे वर द सेम एज, बिल्कुल सही, अगर वो सेम एज के होते थे तो सेम चीज सीखा करते थे, टॉमी ने आंसर किया। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स। लेकिन मार्जी ने कहा, लेकिन मेरी मदर तो ये कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो फिट करे उस माइंड के साथ जो उसे बच्चे को, बॉय को या गर्ल को पढ़ाना है, उसके माइंड के अकॉर्डिंग उसे फिट करना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, उस तरह से वो नहीं किया करते थे उस टाइम में। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, टॉमी ने आंसर किया कि वो उस टाइम में ऐसा नहीं किया करते थे, अगर तुम्हें नहीं पसंद आता है ये तो बुक मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने जल्दी से कहा कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं आई है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो सच में पढ़ना चाहती थी इन फनी स्कूल्स के बारे में। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी स्कूल, उन्होंने अभी आधी बात भी नहीं करी थी कि मार्जी की मदर ने आवाज लगाई, मार्जी चलो स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, कि मम्मी अभी नहीं हुआ टाइम। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स ने कहा चलो अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद ये टॉमी का भी टाइम हो गया होगा स्कूल का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि ये मैं बुक और भी पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। यानी मार्जी को भी अब इंटरेस्ट आ रहा था उस बुक में। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली मीन्स ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए उसने कहा, हो सकता है हम पढ़े। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और डस्टी ओल्ड बुक जो थी वो अपने आर्म के नीचे दबा के वो चल दिया। मार्जी वेंट इन टू स्कूल रूम, मार्जी चली गई स्कूल रूम में। स्कूल रूम कौन सा था, उसके हाउस में ही एक रूम था जिसके अंदर उसकी मशीन फिटेड थी, उसमें वो चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और कहाँ था वो, उसके बेडरूम के साथ में ही। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर यानी उसकी मशीन ऑन थी और वेट कर रही थी उसका। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी सब दिन सेम टाइम पे मशीन इसी तरह से तैयार हो जाया करती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मॉम कहती थी कि अगर छोटी बच्चियां सही एक रेगुलर आवर्स पे अगर पढ़ेंगे तो वो बेटर लर्न कर सकती हैं। यानी अगर अच्छा पढ़ना है तो रेगुलर आवर पे पढ़ना जरूरी है, फिक्स टाइम इसीलिए करना जरूरी है। द स्क्रीन वॉज लेट अप, स्क्रीन जो था लाइट अप हो गया, एंड इट सेड, उसके ऊपर लिखा था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, के अरिथमेटिक का एक लेसन खोल दिया प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन का। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, लिखा हुआ आया कि अपने कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में सबमिट कर दो। मार्जी डिड सो विद अ साई, लंबी सांस लेते हुए उसने स्लॉट के अंदर अपना होमवर्क सबमिट कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, वो तो सोच रही थी बस उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में जो हुआ करते थे जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर छोटे से बॉय थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे अड़ोस पड़ोस के सब बच्चे वहीं जाया करते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो इमेजिन कर रही है कि कैसे जाया करते होंगे हंसते हुए शाउट करते हुए स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर इन अ स्कूल रूम, और इकट्ठे बैठते होंगे एक स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी हो जाती होगी, दिन पूरा हो जाता होगा, तो वो अपने मिलजुल के घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, सेम चीजें पढ़ा करते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद अ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो इसलिए वो एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते होंगे होमवर्क में और उसकी बात भी कर सकते होंगे कि आज क्या पढ़ा। एंड द टीचर्स वर पीपल,
फिर दिमाग में आया, और टीचर जो थे वो लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मीन वेल उसका मैकेनिकल टीचर जो है वो तो अपना काम कर रहा है, वो फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पे। वेन वी एड फ्रैक्शन वन अपॉन टू एंड सो आगे, दैट मीन्स वो उसने अरिथमेटिक पढ़ाना शुरू कर दिया। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी की इमेजिनेशन बस वहीं पुराने स्कूलों की चल रही थी। मार्जी सोच रही थी कि बच्चे कितना प्यार करते होंगे स्कूल डे, उन ओल्ड डेज में स्कूल को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी कि कितना मजा आता होगा उन सब बच्चों को। मजेदार स्टोरी है, एक इमेजिनेशन कि आगे जाके कैसा होगा। फिर आगे जाके फ्यूचर का बच्चा जो है वो इमेजिन कर रहा है पास्ट की चीजें, कि पास्ट के स्कूल के बारे में उसे पता चलता है, पास्ट के टीचर में के बारे में पता चलता है, पास्ट में किस तरह से पढ़ाई हुआ करती थी वो पता चलता है, तो वो भी इमेजिन करना शुरू कर देती है। ये थी इसकी स्टोरी। अब इसे क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना हेल्प बुक में से।